સુરતના પાંડેસરાના બમરોલીમાં પણ DGVCL ખાતે લોકોએ હોબારો મચાવ્યો હતો. DGVCL દ્વારા લાઇટ બિલ વધુ આવતા લોકોએ વિરોધ નોંધાવી DGVCLના અધિકારીઓને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં બમરોલીમાં પણ બીજ બિલનો લોકોએ વિરોધ કર્યો હતો. લોકડાઉનમાં ધંધો બંધ રહે છે, જેની સાથે લોકોના વીજ બિલ વધીને આવ્યા છે. બમરોલીમાં પણ વીજ બિલ વધારે આવતા લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો અને તેનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. મેં દીપક ઓર અમૃતનગર મેં રહેને વાલા હું મેમ ઓર અભી તો ફિલહાલ કે દેખીએ સ્થિતિ એસી હૈ કે પબ્લિક કે પાસ જરા ભી પૈસા નહીં હૈ. જિનકે પાસ પૈસા હૈ વો કિસી કી મદદ કરના નહીં ચાહતે. જ્યાં તક બાત કી જાય રાજ્ય સરકાર કી કેન્દ્ર સરકાર કી પબ્લિક કા જીતના યહાં સે બાયફર્કેશન હુઆ હૈ, યહાં સે પબ્લિક જીતના ટ્રાન્સપોર્ટ હુઈ હૈ, લોગ પૈદલ નિકલ ચુકે હૈ, જો રહે જો યહાં બચે હુએ ભી ઉનકી હાલત ઇતની ગંભીર હૈ કિ કિસી તરીકે સે ઉનકા લે દે કે ખર્ચા ચલ રહા હૈ. અબ એસી સ્થિતિ મેં અગર લાઇટ બિલ યા દૂસરી સબ ચીજો સરકાર હી અગર ઉન સભી સુવિધાઓ કી અગર નહીં દેગી સહારા તો ફિર ઓર કિસી કા કોઈ સહારા નહીં હૈ. और जहां तक रही बात अगर पब्लिक को इतना यहां से जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अगर उनके पास खाने पीने के लिए चीजें अगर अच्छे तरीके से पहुंची होती. मुझे अभी भी याद है कि अभी जब बीच में अलग अलग स्कूलों में देवकी नंदन बीजी मिश्रा और सब अलग स्कूलों में खाने पीने की चीजों का जब वितरण किया गया था उस समय भी 12 बजे समथिंग कुछ लाइन लगी थी और 10 बजे तक बटने वाला था. तो 12 बजे से 10 बजे दैट मीन 10 से 12 घंटे पब्लिक जो है लाइन लगाकर खड़ी थी. लेकिन फिर भी उसमें मिला क्या 2 किलो 4 किलो गेहूं और अभी 5 लोगों 6 लोगों का जिनका परिवार है उसमें कहां से चलने वाला ये सारी चीजें. और ढाई महीने से ऊपर समथिंग कुछ हो गया. मेरा एजुकेशन सेक्टर का मेरा काम है ऑलरेडी, वो सारी चीजें बंद है. अभी 1-2 महीना और सब चीजों में लगेगा, रेंट भरना है, सारी चीजें हैं. और गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो रूम के ऑनर है वो कह रहे हैं, उनको कह रही है कि भाई आप रूम का किराया आप माफ करो जिससे भाड़ुआत को ज्यादा दिक्कत ना हो. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एटलीस्ट ये लाइट बिल जो है 2 महीने का 4 महीने का कम कर देवे. कम क्या करते हुए मैं तो ये कहूंगा कि अगर काम बंद है सारी चीजें बंद है आदमी कहां से भरेगा, अपना पेट पालेगा कि ये लाइट बिल भरेगा, ये वो सब चीजें करेगा. प्लस आकर के अभी लॉकडाउन के एक ओपन होने में अभी ये 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में सबसे पहला काम तो ये हुआ कि भाई जाकर के सबसे पहले लाइट बिल थमा के आओ. जो थोड़ा बहुत टेंशन इंसान के दिमाग का कम भी हो वो और बढ़ने लगा है. अब क्या करेगा आदमी, कुछ नहीं किया जा सकता. गवर्नमेंट ने अपना ये डिसीजन थोड़ा सा लेना पड़ेगा कि गरीबों की थोड़ी सहायता की जाए. क्योंकि अगर वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइट बिल ना लिया जाए या भड़ुआत जो है उनको थोड़ा सपोर्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हमारे सपोर्ट करना पड़ेगा. नहीं ये कंडीशन, आप क्या करोगे ज्यादा ज्यादा, फिर लाइट काट दोगे. और 1-2 लोगों का अगर हो प्रॉब्लम तो आदमी मोहल्ला भर में थोड़ा सा कर भी सकता है. लेकिन अगर ओवरऑल सब जगह की प्रॉब्लम है, मैं अमृतनगर का हूँ, सुखी नगर, कृष्णा नगर, सब जगह की पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हुई है. दैट मीन्स ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर एक आदमी का है, ये पूरे समाज की प्रॉब्लम है. और क्यों नहीं हो सकता है, 20 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, वो सारी चीजें प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है. और कहीं ना कहीं हर आदमी हमेशा भरता ही है लाइट बिल, ऐसा नहीं कभी किसी को रुका हुआ. लेकिन ये कंडीशन ऐसी कि गवर्नमेंट को थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें. DGVCL ની બમરોલી સર્કલ ઓફિસ પર લોકોએ એકઠા થઈને બીજ બિલનો વિરોધ કર્યો છે. વિરોધ પ્રદર્શન કરતા લોકોએ સરકાર લાઇટ બિલ માફ કરે તેવી માંગ કરી છે. નારેબાજી કરીને લોકોએ પોતાનો અવાજ બુલંદ બનાવ્યો હતો. જી આપના નામ? મેરા નામ દ્વિવેદી આશિષ હૈ, મેં અમૃતનગર કા રહેને વાલા હું. જિસમેં હમારે સભી સોસાયટીઓ મેં, સુરત કી હર એક સોસાયટી કી મેં બાત કરું તો હર એક સોસાયટી કી એક તકલીફ બહોત સામને આ રહી હૈ જો લાઇટ બિલ કા હૈ. जैसा कि गुजरात सरकार ने हमारे लिए कहा गया था कि हाँ चलो ठीक है सभी का भाड़ा माफ़ किया जाए. कई लोगों को गांव भी भेज दिया गया, उनके सरकारों ने बुला लिया, उनका अपने 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 प्रदेश में बुला लिया गया. लेकिन जो खुद के घर के मालिक हैं उनके लिए क्या सुविधा किया गया? ना तो लाइट बिल की सुविधा माफ़ की गई, कई जगह तो कई बार लाइट भी बंद हो चुकी है हमारे, रोड लाइट की भी, ये भी एक समस्या सामने आई. और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे लाइट बिल का है, जो कि हमें सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के चलते हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉकडाउन में हमारा क्या सबसे बड़ी तकलीफ क्या हुई कि हमें किसी को घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया. जब घर से बाहर निकलेंगे नहीं तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, और पैसे कमाएंगे नहीं तो हमारे पास ये सब लाइट बिल का जरिया कहाँ से भराएगा. भड़ौत का हमारे यहाँ भड़ौत के भी जितने भी लोग थे वो भी सब जा चुके हैं, गांव जा चुके हैं, उनसे भी हम भाड़ा वसूल नहीं कर पाए, लाइट वसूल नहीं कर पाए, तो हम ये लाइट बिल भरे कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास. हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी पैसों की ही हो रही है, जिसमें हमें लॉकडाउन के चलते हमें कहीं आना जाने नहीं दिया गया. लॉकडाउन में हमें क्या किया गया, घर पर रख दिया गया. घर पर रहने के साथ साथ हम घर पर रह के करें क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और न्यूज़ भी देखना, अपडेट देखते हैं. सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी था क्योंकि मोदी जी जो भी आते थे हमें उनके सभी बातों को फॉलो करना था. और फॉलो करने के साथ साथ हम जब टीवी देखेंगे नहीं, टीवी चलाएंगे नहीं, कोई न्यूज़ देखेंगे नहीं, कोई न्यूज़ हमें पता नहीं चलेगा तो हम कहाँ से देखेंगे. तो उसके चलते हमारे पास गुजरात सरकार के द्वारा ये लाइट बिल आया है, जिसमें हमें और बढ़ा चढ़ा के ही लाइट बिल दिया गया.
जिसमें हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं, तो हम लाइट बिल का कहाँ से भरेंगे। और लाइट बिल की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि हमें कैसे भी करके लाइट बिल भरना, अगर नहीं भरोगे तो काट दिया जाएगा। हमारे आसपास की सोसाइटी में भी ये क्या किया गया, कल के दिन ही की मैं बात बताऊँ तो कल के दिन कृष्णनगर में भी शायद लाइट बिल एक घंटे या दो घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। ये भी एक समस्या आई थी। तो हमें सरकार से खाली इतना निवेदन है कि वो हमारे यहाँ हमारे सूरत के सभी विस्तारों का, सभी सोसाइटियों का लाइट बिल माफ़ करे। जिस तरह से यूपी सरकार हर जगह की सरकार अपने हिसाब से कार्य कर रही है, मोदी फंड के द्वारा भी जो 20 करोड़ रुपए मिले उसमें हमारा ये बिजली विभाग का क्या है कारनामे, ये लाइट बिल भी क्या कर दिया जाए, उसके साथ में माफ़ कर दिया जाए, ये मुझे गुजरात सरकार और बीजेपी सरकार से विनम्र निवेदन है। आप कहाँ पर आए और कितने जन आए? हम यहाँ पर लगभग 150-200 के आसपास के संख्या में आए हैं और हम अमृत नगर सोसाइटी से आए हैं, पांडेसरा विस्तार से। कौन सी जीबी में? कौन सी जीबी? ये बमरोली विस्तार के जीबी में हम आ चुके हैं। और हमारे साथ जितने भी रहवासी हैं, हमारे जितने भी परिवार के हैं, हमारे भारत सरकार के जितने भी परिवार के लोग हैं, यहाँ पे हर एक प्रकार के रहवासी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे मराठी हों, चाहे गुजराती हों, सारे विस्तार के हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं इस चीज़ों के लिए। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारा लाइट बिल बंद मना किया जाए, माफ़ किया जाए, या फिर कुछ समय दिया जाए। जिस तरह से भाड़ों के लिए, हमारे भाड़ वाले के लिए पैसे देने के लिए मना किया गया, उसी तरह मैं गुजरात सरकार से निवेदन चाहता हूँ कि हमारा लाइट बिल और हमारे सभी विस्तारों का लाइट बिल माफ़ किया जाए। जो के अधिकारियों जणाव्युं हतुं के जे प्रमाणे वपराश थयो छे एज बिल लोकोने मळ्या छे, पण बमरोली डीजीवीसीएल ना लाइट बिल वधु आवता लोकोए विरोध करता लोको भेगा मळी अधिकारीओने आवेदन पत्र पाठव्युं हतुं। कहाँ पे रहते हो? अमृत नगर। क्या मुद्दा आपका? लाइट बिल माफ करना है। किस तरह की दिक्कत समस्या हो रही है? दिक्कत तो बहुत हो रही है, खाने पीने का भी दिक्कत है, और ये हुआ कि फ्री का सब चीज मिलेगा, फ्री का तो कुछ नहीं मिलता है। हाँ, अभी घर में राशन वासन कुछ नहीं है, तो लाइट बिल भरेंगे कहाँ से? काम धाम चलता नहीं है, फिर राशन लाइट बिल भरेंगे कहाँ से? तो माफ तो करना पड़ेगा। और मोदी जी बोले थे कि लाइट बिल माफ़ रहेगा, फिर लाइट बिल नहीं माफ़ हुआ, लाइट बिल भी आ गया, तो फिर कैसे माफ़ रहेगा? तो आप लोग कहाँ पे आए? आए हैं बमरौली लाइट बिल माफ़ कराने के लिए। लॉकडाउन में श्रमिकों ना हाल बेहाल छे। लॉकडाउन में उद्योग बंद होवाथी श्रमिक को तकलीफ में मुकाया छे। आर्थिक परिस्थिति नबड़ी होवाथी लाइट बिल भरी शके तेवी स्थिति नथी। गुजरात सरकार द्वारा लाइट बिल माफ करे तेवी लोकोए मांग पण करी छे। मारू नाम अशोक दुर्गू महाजन, रहवासी बमरोली रामेश्वर नगर 659 रोड नंबर में रहूं छु। भैया, लॉकडाउन ना हिसाबे मेयर साहेब ने कलेक्टर साहेब ने निवेदन करवा, મારી વિનંતી છે કે અમારું બિલ માફ કરવા જોઈએ। અહીંયા કોઈ ગુજરાતનો રહેવાસી નથી, બધા પરપ્રાંતિઓ રહે છે, ને બિલ ભરવું અમારી મુશ્કેલ છે, અમારાથી બિલ ના ભરાય, એટલે અમારે આ બિલ માફ કરવું જોઈએ। અમે કોઈ દિવસ બિલ બાકી રાખ્યું નથી, બરાબર, આનાથી આગળ રહેશે બી ને કે નહીં રહેશે, અમે રહેવાના કે નથી રહેવાના એનો કોઈ ભરોસો નથી, પણ આ બિલ અમારે માફ કરવું જોઈએ, ને ના કરતા હોય તો અમે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું। કઈ જગ્યા આવ્યા છો તમે? ઇલેક્ટ્રિક બોર્ડ પાસે, બમરોલી પેટા વિભાગ પાસે આવેલા છે। મુકેશ ગુરવનો અહેવાલ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત।